भागलपुर के मायागंज अस्पताल से बलारी डीबीसी कॉलोनी स्थित बिजली विभाग के कार्यालय तक आज जमकर हंगामा बनपा। दरअसल 9 नवंबर की रात को अपराधियों के हमले से घायल लाइनमैन राजेश कुमार की मौत हो गई। इसको लेकर परिजन एवं ग्रामीणों ने मिलकर बिजली विभाग का घेराव किया, साथ ही घंटों बलारी मुख्य मार्ग को भी बाधित कर दिया। लाइनमैन राजेश कुमार राय के परिजन की मांग थी कि इसका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए राजेश कुमार राय के समर्थक व चचेरे भाई अवध किशोर मंडल ने कहा कि हमें मुआवजा का आश्वासन मिला है, अंत्येष्टि के लिए 15,000 और फिर 4,00,000 रुपये मुआवजा देने की बात हुई है। वहीं बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव सुमन ने कहा कि हम लोग भी प्रशासन से मांग किए हैं, दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले एवं हम लोग जल्द से जल्द इनके घर के किसी भी एक सदस्य को नौकरी देंगे। मुआवजे का जो प्रावधान है उसके तहत मुआवजा जरूर मिलेगा और जो खर्च हुआ है इलाज के दौरान उसे भी विभाग जल्द से जल्द राशि मुहैया कराएगी। इसके बाद बराड़ी थानाध्यक्ष ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझा कर सड़क खाली करवाया। बता दें, तिलका मांझी थाना क्षेत्र के जवारीपुर स्थित आर्क हॉस्पिटल के समीप छठ पूजा के खरना की रात अपनी ड्यूटी से लौट रहे बराड़ी वार्ड 29 निवासी व बिजली विभाग के लाइनमैन राजेश कुमार राय पर अपराधियों ने लोहे के रॉड से जानलेवा हमला कर दिया था। घटना के बाद लाइनमैन बेसुध हो गए थे। रास्ते में उनके फीडर से लौट रहे कर्मियों ने देखा तो उन्हें मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी गंभीर स्थिति बताते हुए रेफर कर दिया। परिजन घायल लाइनमैन को बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी स्थित निजी अस्पताल लेकर गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। एक नौकरी दे गया, हाँ, और जितना खर्च हुआ है वो सारा विभाग बेयर करवाएंगे। अच्छा, बोले हैं वो? हाँ, अभी बोले। कौन बोले? एसक्यूटिव इंजीनियर बोले। क्रिया के लिए 15,000 रुपया दे देते हैं अपने स्तर से अरेंज करके, उसके जितना भी उसका मेडिकल में खर्चा हो ईएसआई के प्रावधान के तहत वो सारा पैसा उसके रिम्बर्स हो, ठीक है। और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को जिसको वो मतलब उसकी माँ बाप माँ जिसको भी बोले, यानी उसकी वाइफ बेटी बेटा वाइफ जो भी, एक को मानव बल में हम लोग उसके हस्बैंड के बदले एडजस्ट कर देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है अपना बिहार नशा मुक्त बिहार हो, शराब मुक्त बिहार हो, लेकिन शराब तस्कर शराबबंदी पे पलीता लगाने में लगे हुए हैं। शराब तस्कर दूसरे राज्यों से शराब लाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। उसी बाबत एक विशेष बैठक कर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों में आदेश जारी किया है और कहा है शराब पर पूर्ण रूपेण पाबंदी लगाई जाए। हर थाना क्षेत्र के थानेदार इस पर विशेष नजर रखेंगे जिससे हमारा सफल मुहिम हो सके। इसी बाबत डीआईजी कार्यालय में एसएसपी भागलपुर, एसपी नौगछिया एवं एसपी बांका की भी एक अहम बैठक हुई और उस पर निर्णय लिया गया कि जितने भी शराब तस्कर हैं उन पर नकेल कसा जाए एवं हर जिला को नशा मुक्त एवं शराब मुक्त बनाया जाए जिससे कि हमारा पूरा बिहार शराब मुक्त हो सके। इसी बाबत जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा शराबबंदी को लेकर प्रशासन और भी मुस्तैद हो गई है और बहुत सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने भी इस पर विशेष टीम गठित की है और इस शराब मुक्त बिहार बनाने में सबों का योगदान मांगा है। जिलाधिकारी ने कहा कि पटना से टीम आती और थाना स्तर पर जाँच करती है, अब जहां भी भारी मात्रा में शराब पकड़ाता है वहां के एसएचओ पर कार्रवाई होगी। गांव में अगर शराब का उत्पादन होता है और चौकीदार यह सूचना नहीं देते तो चौकीदार पर भी सख्त कार्रवाई होगी। हर एक स्तर पर जिम्मेदारी का निपटारा किया जा रहा है, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री डीजीपी आदि ने आदेश दिया है उस पर जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। भागलपुर में शराब पर रोक को लेकर अन्य जिलों के बनिस्पत रिजल्ट अच्छा है, इसे और अच्छा करना है। वहीं जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि अभी हम लोगों ने उन वाहनों की बिक्री नीलामी कराई है जो शराब तस्करी के दौरान पकड़े गए, 6 माह में 1,05,00,000 रुपये प्राप्त कर सरकारी खजाने में जमा कराया गया है। और इसके माध्यम मुख्यमंत्री जी ने बहुत डिटेल दिशा निर्देश दिया है, इसमें कई जो सुझाव भी दिए गए हैं और कई हम लोगों को डायरेक्शन भी मिला है, अनुपालन कराएंगे और बहुत सख्ती से इसका अनुपालन पूरे जिले में सुनिश्चित। सर, थाना स्तर पर यदि शराब मिलती है तो सर क्या कुछ कार्रवाई होगी थाना स्तर पर? इसमें बहुत स्पष्ट है, जैसे डीजीपी सर ने बताया है, अगर पटना से टीम आती है और थाना स्तर पर शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है थाना क्षेत्र में, तो वहाँ के जो एसएचओ हैं उन पर कार्रवाई होनी है। गाँव में अगर शराब का उत्पादन होता है और चौकीदार के द्वारा सूचना नहीं दी जाती है तो चौकीदार पे कार्रवाई होगी। तो हर एक स्तर पर जिम्मेवारी का निर्धारण किया गया है, ताकि एक्साइज के ऑफिसर हो या पुलिस के ऑफिसर हो,
तो अगर जो भी अपने जिम्मेवारी का निर्वहन ढंग से नहीं करेंगे उनमें कार्रवाई होगी। सर जिला प्रशासन की ओर से चौकीदार मान लीजिए? नहीं देखिए, चौकीदार पे दोनों मतलब पुलिस के भी पदाधिकारियों का नियंत्रण रहता है और जो सिविल साइड के ऑफिसर्स हैं उनका भी रहता है। सब लोगों को साथ में लग करके ये प्रयास करना है कि जो शराबबंदी नशाबंदी का इतना महत्वपूर्ण अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है और हम लोग इसको कैसे बेहतर कर सकें, फुल प्रूफ कर सकें, वो सारी बातें कल हुई हैं। इसको अभी भी हम लोगों के भागलपुर जिले का देखेंगे परफॉर्मेंस किसी भी इंडिकेटर पर ख़राब नहीं है। अभी हम लोगों ने वाहनों की बिक्री नीलामी कराई है पिछले 6 महीने में, जिससे 1.5 करोड़ रुपया ऐसे वाहन जो शराब में पकड़े गए हैं शराब के परिवहन में, उसे 1.5 करोड़ रुपया हम लोगों ने नीलाम करके सरकारी खजाने में जमा कराया है। पीरपैती प्रखंड क्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र संख्या 28 से जिला परिषद प्रत्याशी विमलेश कुमार गौतम अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र के गौरीपुर, मथुरा, सिवानपुर आदि कस्बों का दौरा किए। प्रत्याशी के पिता राजगांव राजी पंचायत के कई दशकों तक मुखिया रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने बताया कि सभी जगहों पर जनमानस का प्यार और भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। जनता के लिए विगत 5 वर्षों से काफी ऐसे मूलभूत मुद्दे हैं जिनका निदान जनता चाहती है। सारी जनता बदलाव चाह रही है तथा क्षेत्र का विकास चाहती है। मौके पर प्रत्याशी विमलेश कुमार गौतम ने जनता को आश्वासन दिया कि अगर जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र के जनमानस की समस्याओं का निदान सिलसिलेवार ढंग से करेंगे। पंचायत चुनाव के 8वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर पूरी ताकत लगा दी गई है। इसी कड़ी में नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर खुर्द से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए रानी देवी ने भी जोर शोर से प्रचार किया। उन्होंने भीमकित्ता, भबलपुर, कौवा कोली, पुरानी सराय, कंजिया, महमदपुर इत्यादि जगहों पर जाकर लोगों से अपने चुनाव चिन्ह कुदाल छाप पर वोट देने की अपील की। आपको बता दें, रानी देवी निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं और उन्होंने दोबारा पंचायत समिति सदस्य पद पर नामांकन दर्ज कराया है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास, नारी शक्ति सहित अपने क्षेत्र में विकास का वादा कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। हम रामपुर खुद का पंचायत समिति है वर्तमान में और फिर से पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं। भारी भारी मतों से इस बार मेरा विजय प्राप्त होगा, इसलिए हम पंचायत घूम रहे हैं। पूरा पूरा सहयोग है, इस बार विजय जरूर प्राप्त होगा। सभी जनता का मेरे साथ सहयोग है। पीरपैती थाना क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी के नेतृत्व में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर इमाम नागर, कुचबन्ना आदि जगहों व हरिनकोल के पहाड़िया टोला स्थित सोमिया देवी के आवासीय परिसर से 15 लीटर देसी शराब जब्त की गई, साथ ही उसे हिरासत में भी ले लिया गया। दूसरी ओर छापेमारी के क्रम में ही अनिरुद्ध पंडित व जितेंद्र शर्मा के घर से 5-5 लीटर देसी शराब बरामद करते हुए दोनों अभियुक्तों और एक अन्य सुनेंदु सेन गुप्ता को 1 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से 6 व्यक्तियों को शराब सेवन के अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने बताया कि अभियान लगातार थाना क्षेत्र में तब तक चलाया जाएगा जब तक थाना क्षेत्र में शराब खरीद बिक्री व सेवन करने वालों की संख्या शून्य नहीं हो जाए। सुल्तानगंज प्रखंड में 11वें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन मुखिया पद के लिए 9 लोगों ने नामांकन का पर्चा भरा। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 9, सरपंच पद के लिए 7 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं पंच और वार्ड सदस्य पद के लिए कई लोगों ने अपना नामांकन दर्ज कराया। गौरतलब है कि सुल्तानगंज प्रखंड में कुल 18 पंचायत है जिसमें 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव होना है। नामांकन को शांतिपूर्ण कराने को लेकर सुल्तानगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, अंचलाधिकारी शंभु शरण राय, थाना अध्यक्ष लाल बहादुर प्रखंड कार्यालय परिसर में मौजूद रहे। विकास उद्देश्य क्या विकास का एजेंडा रहेगा? शिक्षा, सिंचाई, गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना और जितना सरकार का योजना होगा गरीब तक पहुंचाएंगे। देवी जिंदाबाद, प्रियंका देवी जिंदाबाद, प्रभाकर कुमार सिंह जिंदाबाद।
गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के उद्देश्य से नमामि गंगे परियोजना के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गंगा मसाल अभियान दिल्ली से ऋषिकेश और ऋषिकेश से गंगा सागर तक चलाया जा रहा है, जिसको लेकर गंगा मसाल मुंगेर पहुंच चुके हैं। नमामि गंगे की टीम उप महानिदेशक मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में गंगा मसाल पहुंचने से पहले व्यवस्था का जायजा लेने भागलपुर पहुंची और शुक्रवार को पहुंचने वाले मसाल को लेकर कई दिशा निर्देश नमामि गंगे टीम को दिया। हमने शुरू किया है और दिल्ली टू ऋषिकेश, ऋषिकेश से हम गंगा सागर तक लेके जाएंगे और इसी के मीटिंग के लिए सबके पास हम लोग आए थे ताकि वहाँ पर देख लिया जाए कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन हो सकता है। थैंक यू। कितने बजे निकाल जाएगा मसाल यात्रा? तो हमारे निकला हुआ है जी, अभी इस समय मुंगेर में है। मुंगेर में आने के बाद फिर हम आगे से रिसीव कर लेंगे। ओके, मैं सुधार सर्वेश तिवारी, गंगा टास्क फोर्स। सर भागलपुर कब तक है? भागलपुर हम 11 बजे के लगभग तक पहुँच जाएंगे, 10:30 से कार्यक्रम, 10:30 के लगभग पहुँच जाएंगे।